हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मजेदार से नाश्ते की रेसिपी, या आप इसे पेट बिल्कुल इससे भर जाए वो भी मान सकते हैं, एकदम पेट भरने वाली चीज। और इसके लिए ना आप चाहें तो मतलब साथ के साथ पराठा या रोटी बनाकर इसे बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर रोटी या पराठा बच जाता है जैसे तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। और ये रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हम सब्जियों का यूज भी करेंगे। और इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो नाश्ता है इसके इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले ये मैंने ले लिया है शिमला मिर्ची बारीक काट कर। साथ में ये ले लिया है मैंने मैदा आधे कटोरी के करीब, और आधे कटोरी के करीब ही मैंने लिया है ये गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, और चाहें तो खाली मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों चीज़ें मिक्स करके बना रहे हैं। साथ में ये ले लिए हैं मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट कर, और ये ले लिया है मैंने एक टमाटर, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। आपके पास ना कलरफुल वाली शिमला मिर्ची हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, प्याज खाते हैं तो आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ले लिया है मैंने अमूल का चीज़, जो चेडा चीज़ होता है वो मैंने लिया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैदा और आटा है ना, इसका हमें आटा लगा लेना है। इधर मैंने ले लिया है ये बाउल, और इसमें मैं डाल दूंगी ये आटा, साथ ही ये मैदा, और इसका हमें थोड़ा सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से नमक, इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब ऑयल, और इसके बाद इसे कर लेना है सबसे पहले अच्छे से मिक्स। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप चाहें तो इसे नाश्ते में बना सकते हैं, और वैसे ये मतलब फुल्ली पेट भरने के लिए एकदम बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इधर देखिए मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है, और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, बहुत टेस्टी लगती है। मैं अक्सर इसे बनाती रहती हूँ, आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ ना, अक्सर वो आपके साथ मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो देखिए ये मैंने लगा लिया है आटा, और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। इधर इसे रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो आटा हो चुका है हमारा तैयार। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। चकला ले लिया है, जितने बड़े बनाने हैं उस हिसाब से हम लोइयां तोड़ लेंगे। लोइयां बनाकर कर ली हैं तैयार, थोड़ा सा आटा लगाकर डस्ट करेंगे आटे से इसे। उसके बाद इसको ना हम बेल लेंगे पहले, तो बस मैंने इसे बेल लिया है, और हल्का सा ना इस पर हम लगा देंगे देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। और फिर ना इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद ऐसे, और वापस से इसे आटे से डस्ट करके वापस से इसे बेल लेना है हमें। ये लिया है मैंने बेल, अब इसको हमें हल्का सा सेक लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। इधर तवा मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था, इस पे मैं डाल दूंगी
हल्का सा ये सिक चुका है इधर से, तो ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुका है, तो बस इस तरीके से ही हमें ये सारे सेक कर तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से दूसरा भी हम सेक लेंगे। इस तरीके से ही देखिए मैं तवे पर लगाती जा रही हूँ, एक तरफ जो सिकते जा रहे हैं, बस ऐसे ही हमें सेक कर तैयार कर लेने। हमें हल्का सा एक तरफ से थोड़े से ज़्यादा और एक तरफ से थोड़े से कम इस तरीके से हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, कच्चे नहीं हैं, क्योंकि मैं इन्हें स्लो फ्लेम पर सेक रही हूँ। तो इधर देखिए मैंने ये ले लिया है। सबसे पहले इस पर जाएगी ये पिज़्ज़ा टॉपिंग। उसके बाद थोड़ी सी मैं डाल दूंगी इस पर चीज़, ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी और भी हमें यूज़ करनी है हल्की सी। उसके बाद जाएंगी ये सब्जियाँ, शिमला मिर्ची, टमाटर, थोड़े से स्वीट कॉर्न, इसके बाद हरा धनिया, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, चिली फ्लेक्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसमें मैं डालूंगी एक चुटकी के करीब पाव भाजी मसाला, और ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा चीज़ और इसको कर देना है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड, और अब क्या करना है, अब हमें इसे वापस से सेकना है। तवा हमारा गरम ही है, इस पर मैं डाल दूंगी घी, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब क्या करना है, अब हमें इसे एकदम स्लो फ्लेम पर सेकना है। मैं कर दूंगी इसे कवर ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो उसे सेकते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेंगे एक बार। तो उस तरफ से कलर इसका एकदम परफेक्ट आ चुका है। हल्का सा इस साइड भी लगा देंगे इस पर देसी घी, और इसे पलट देंगे और वापस से इसे कवर कर देंगे। इस तरफ से भी इसे सिकने देंगे बहुत अच्छे से, इस तरफ से भी इसे चेक कर लेंगे एक बार। तो इधर से भी ये बहुत अच्छे से सिक चुका है, एकदम क्रिस्पी। इस तरीके से ही हम सारे सेक कर लेंगे तैयार। इस तरीके से ही मैं इसे भी सेक दूंगी। थोड़ी देर मैंने ना इसको इस तरीके से कोने पर खड़ा करके सेक लिया है, ताकि जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से सिक जाए। तो बस मैं निकाल लूंगी इसे प्लेट में, और दूसरा मैंने सेक लिया है, और बाकी के सारे भी हम इस तरीके से ही सेक कर तैयार कर लेंगे। इधर देखिए ये सब सेक कर तैयार हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। तो इधर देखिए हमारा सुपर टेस्टी सा ये नाश्ता बोल लीजिए या कंप्लीट लंच मान लीजिए, क्योंकि रोटी भी है और साथ में ढेर सारी इसके अंदर सब्जियां भी हैं, चीज़ है, कॉर्न है। तो ये बनकर तैयार है, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। बच्चों को आप दीजिएगा, वो इसे सारा का सारा ही चट करने वाले हैं। आप ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो, और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।